फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली सुना होगा शायद न्यूज़ में या इधर उधर से कि अमेज़न ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज काफ़ी बढ़ा दी हैं। और ये अनाउंसमेंट के आने से काफ़ी पहले ही अमेज़न ने अपने SD1 फ्रेशर रोल की सैलरीज काफ़ी बढ़ा दी थी। जो CTC पहले 30 लाख होता था और आपको इन हैंड आपके बैंक में अराउंड 1 लाख पर मंथ आते थे, वो CTC बढ़ के अब 45.5 लाख हो गया है। एंड इससे जो आपका इन हैंड पैकेज होगा ऑब्वियसली वो भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरे टाइम पे किसी को कैंपस प्लेसमेंट 45 लाख का लगता तो लोग तो उसे गॉड ही समझ लेते हैं। बट ये 45 लाख में से कितना आपके बैंक में आएगा, पर मंथ आपको कितने पैसे मिलेंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं CTC के, कितने आपको स्टॉक्स मिलेंगे, कितने आपको बोनसेस मिलेंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर इतने पैसे सुन के अगर आपका भी मेरी तरह मन ललचा जाता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। कोई सेंसेस बात की? तो स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं अभी आपको अमाउंट्स बताने वाला हूँ, 2000 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, वो टैक्स काटने से पहले हैं। टैक्स काट के आपको कितना मिलेगा वो हम वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। सो पहले बात करते हैं बेस सैलरी की। एंड अमेज़न का जो बेस होगा फॉर SD1 फ्रेशर, दैट इज 15.5 लाख पर ईयर। ये बेस सैलरी में HRA विच इज हाउस रेंट अलाउंस ये भी इंक्लूडेड होता है, और PF प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी इंक्लूडेड होता है। बट उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और ये आपका एम्प्लॉयर ऐड करता रहता है ताकि आप रिटायरमेंट के बाद इस पैसे को यूज कर पाओ और आप चैन की जिंदगी जी सको रिटायरमेंट के बाद। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर जो बेस है दैट इज 15.5 लाख, और जो भी आपका हर ईयर अप्रेजल होता है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, दैट इज ऑन दिस बेस पैकेज ओनली। सो अगर आपका 10% अप्रेजल हुआ तो आपका पैकेज 1.5 लाख से बढ़ जाएगा, अगर आपका 20% हुआ तो 3 लाख से बढ़ जाएगा। सेकेंड इज ज्वाइनिंग बोनस। सो जो सेकेंड बिगेस्ट अमाउंट होता है आपकी CTC का, दैट इज ज्वाइनिंग बोनस। सो फर्स्ट ईयर में अमेज़न आपको देगा ज्वाइनिंग बोनस 9.5 लाख, और सेकंड ईयर में देगा 6 लाख। सुनने में ये अमाउंट काफी ज्यादा लग रहा होगा, बट जब आपको पता चलेगा इस पर टैक्स कितना लगता है तो शायद इतना ज्यादा ना लगे। बट ये बोनस आपको मिलता कब है? क्या आप फर्स्ट डे अमेज़न में जाओगे और कंपनी बोलेगी वेलकम टू अमेज़न, ये लो गूगल पे 9.5 लाख, सॉरी गूगल पे नहीं अमेज़न पे 9.5 लाख? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये ज्वाइनिंग बोनस एक्चुअली आपको मंथली सैलरी के साथ मिलता है। सो ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड आता है, हर मंथ इसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट आता है। सो अगर आपको फर्स्ट ईयर में 9.5 लाख है ज्वाइनिंग बोनस, तो आपको हर मंथ 9.5 डिवाइडेड बाय 12 इतना अमाउंट आपकी मंथली सैलरी के साथ आएगा। एंड सेकंड ईयर आपको 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 ये मंथली सैलरी के साथ आएगा। बट आप शायद सोचोगे कि यार ये दो साल में क्यों अमेज़न ने डिवाइड किया है, कि पहले साल में क्यों नहीं 15 लाख देके खत्म कर रहे। सो ये जनरली एक टैक्टिक है जो कंपनीज यूज करती हैं ताकि आप दो साल तक तो कंपनी में रुक जाओ, कहीं आप फर्स्ट ईयर में ही 15 लाख लेके ज्वाइनिंग बोनस आप निकल जाओ। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके, तो कंपनी को शायद इतना फायदा नहीं होगा। तो कंपनी सोचेगी कि इसको एक्स्ट्रा 6 लाख का लालच देगी, 9 लाख के ऊपर हम इसको रोक लेते हैं थोड़ा, एक साल तो और। फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट दिस सुपर फन इवेंट बाय गीक फॉर गीक्स। दिस समर गीक्स फॉर गीक्स इज गोइंग टू ब्रिंग द फन बैक टू योर स्क्रीन्स विद इट्स बिगेस्ट वर्चुअल इवेंट इन 2022, प्रेजेंटिंग गीक समर कार्निवल। आपको इसमें लर्निंग के साथ साथ बहुत ही एंटरटेनमेंट, गेम्स, फन, एक्साइटमेंट सब कुछ मिलने वाला है। ऑल्सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ डिस्काउंट्स, गुडीज एंड अदर कूल स्टफ। बट ये सब मेन कोर्स से पहले गीक्स फॉर गीक्स आपके लिए स्टार्टर्स लेके आ रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 26th मार्च आप बहुत सारे एक्साइटिंग टिकट्स ले सकते हो। विद दीस टिकट्स यू विल गेट द बेस्ट ऑफ कोर्सेज एट द बेस्ट प्राइसेस। लेट मी शेयर सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस। आपको 3 months का डाउट असिस्टेंस प्लस गीक्स फॉर गीक्स प्रीमियम क्वार्टरली विच इज वर्थ 2800 रुपीज, आपको वो 2000 रुपीज में मिलेगा। एंड डाउट असिस्टेंस फॉर 6 months प्लस प्रीमियम प्लस क्वार्टरली विच इज वर्थ 7000 रुपीज, वो आपको सिर्फ 5000 में मिलेगा। एंड सिमिलरली 11000 वर्थ के कोर्सेज आपको 8000 में मिलेंगे। आप देख ही सकते हो आपको कितने हैवी डिस्काउंट्स इसमें मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि क्या क्या इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज आपको गीक्स कार्निवल में मिलेंगे। ऑल्सो देयर इज अ वॉल ऑफ विशेस जहाँ पे जाके आप कोई भी टाइप का कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हो गीक्स फॉर गीक्स को। एंड अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चन है इस इवेंट के रिलेटेड, सो यहाँ पे एक FAQ पेज है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट रेडी फॉर दिस डेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड मार्क योर कैलेंडर्स। इवेंट डेट फॉर द सेम आर 26th मार्च टू 2nd अप्रैल। आपको सब लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहां जाके इस फन इवेंट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज स्टॉक्स, जिसे टेक्निकली RSUs, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स भी बोल देते हैं। सो एज अ फ्रेशर आपको 13 लाख के स्टॉक्स मिलते हैं, 13 लाख के आपको स्टॉक्स मिलते हैं। एंड अमेज़न के स्टॉक का
प्राइस इस टाइम अराउंड 2.5 लाख है, सो आपको अराउंड 5 स्टॉक्स मिलते हैं। बट ये 13 लाख रुपए आपको मिलते कब हैं? क्या ये भी ऐसा होगा कि आप फर्स्ट डे कंपनी में जाओगे, कंपनी बोलेगी वेलकम सर, आप हमारी कंपनी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, ये लो 13 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में? नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। बल्कि स्टॉक्स तो ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ता है। सो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में ये 13 लाख का सिर्फ 5% मिलेगा, देन सेकेंड ईयर के एंड में 15% और मिल जाएगा, देन 2.5 साल के एंड में 20% और मिल जाएगा, फिर 3 साल के एंड में 20% और, फिर 3.5 साल के एंड में 20% और, फिर 4 साल के एंड में 20% और, ऐसे आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ये आपको 13 लाख के स्टॉक्स मिलेंगे। बट ये 13 लाख की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, इट डिपेंड्स कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सो कंपनी का स्टॉक इस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो मोस्टली ये ऊपर ही जाती रहती है वैल्यू। सो अगर आप देखो पिछले 2 साल में अमेजोन का स्टॉक अराउंड 1.5 टाइम्स हो गया है, और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें सो अमेजोन का स्टॉक अराउंड 3 टाइम्स हो गया है। सो हो सकता है 4 साल बाद आपकी 13 लाख का 30 लाख हो जाए। सो अगर आपने स्टॉक्स ना बेचे हों तो आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। एंड ऐसा भी होता है जो लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अप्रेजल के टाइम और स्टॉक्स मिल जाते हैं, लाइक 1 साल में 10 स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपका प्रमोशन हुआ, आप SD1 से SD2 बन गए, तो भी आपको और स्टॉक्स मिल जाते हैं। सो द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज रीलोकेशन बोनस। सो जब आप अमेजोन या कोई भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना पड़ता है। सो उसके लिए आपको रीलोकेशन बोनस मिलता है, ताकि आप अपने फ्लाइट के एक्सपेंसेस, होटल के एक्सपेंसेस वो सब कवर कर पाओ। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 1.5 लाख रुपीस, जिसमें से ऑब्वियसली काफी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि देखो आप बिजनेस क्लास में तो जाने नहीं वाले, और होटल भी आप कितना ही महंगा बुक कर लोगे। एक और ऑप्शन भी होता है कि आप ये 1.5 लाख ना लो और अमेजोन ही आपको सब कुछ बुक करके देगा, आपका फ्लाइट्स, आपका होटल, ये सब चीजें, बट जनरली वो ऑप्शन कोई लेता नहीं है। देन बात करते हैं बेनिफिट्स की। सो मंथली आपको 1100 रुपीज के सोडेक्सो मील कूपन मिलते हैं, जिसे कि आप ऑफिस के कैफेटेरिया में यूज कर सकते हो या स्विगी जोमेटो पे भी चल जाते हैं। आपको 1250 रुपीज का इंटरनेट रीइंबर्समेंट मिलता है, ताकि आपका जो वाईफाई का घर का खर्चा है वो आप बिल दिखा के वो अमाउंट ले सकते हो वापस। आपको 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, आपको आपके बेस सैलरी का 4 टाइम्स जो है वो लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है आपके बेस सैलरी का 3 टाइम्स। एंड अगर आपको काम के लिए ट्रैवल करना पड़े, लाइक अमेजोन के ही किसी काम के लिए, सो आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, विच इज अराउंड 1500 to 4000 रुपीज। बाकी आपकी टीम को, आपके मैनेजर को एक पार्टी करने का भी बजट मिलता है क्वार्टरली, कि आप अपनी टीम को किसी आउटिंग पे ले जाओ या पार्टी पे ले जाओ, सो उसका भी कुछ अमाउंट टीम को मिलता है, जो कि इनडायरेक्टली आपको भी मिल जाता है। सो अब बात करते हैं आपके इन हैंड पैकेज की, कि आपका टैक्स कट के आपके मंथली बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। सो देखो, जो आपका बेस सैलरी होता है 15.5 लाख, उस पे टैक्स आपका लग जाएगा अराउंड 20%। दैट अगेन डिपेंड्स कि आप कितना टैक्स सेविंग करते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह से, बट अराउंड आप 20% मान लो। सो ये 15.5 का रह गया अराउंड 12 लाख, और जो आपका ज्वाइनिंग बोनस होता है विच इज 9.5 लाख, उस पे लगता है डायरेक्ट 30% टैक्स। तो ये 9.5 का रह गया अराउंड 6.6 लाख। सो मंथली आपको आएगा 1 लाख बेस का और 50,000 ज्वाइनिंग बोनस का, सो दैट इज अराउंड 1.5 लाख। एंड फर्स्ट मंथ में तो आपको रिलोकेशन बोनस भी मिलेगा। सो रिलोकेशन बोनस था 1,50,000, उस पे भी डायरेक्ट 30% टैक्स लग जाएगा, जिसके बाद दिस अमाउंट इज अराउंड 1,05,000। सो आपको फर्स्ट मंथ 2.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, बाकी 11 महीने जो है पहले साल के उसमें आपको 1.5 लाख मिलेंगे। जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा सो आपको ज्वाइनिंग बोनस 9.5 लाख से हटकर 6 लाख हो जाएगा, बट जो आपका बेस पैकेज है जो 15.5 था वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका कुछ तो अप्रेजल हो जाएगा 10% 15%। सो जो आपका टोटल इन हैंड है वो अराउंड सेम ही रहेगा, 1.4 टू 1.5 लाख आपको नेक्स्ट ईयर भी मिल जाएगा। बाकी हर साल आपके जितने स्टॉक्स वेस्ट होते रहेंगे, उस टाइम पे जो स्टॉक का प्राइस होगा उस हिसाब से भी आपको पैसे मिलते रहेंगे। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे इफ यू ज्वाइन अमेज़न एज अ फ्रेशर SD1। एक्सपीरियंस लोगों के लिए डिपेंड्स, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, उनका प्रीवियस पैकेज कितना था, वो सब चीजें मैटर करती हैं। सो उनका पैकेज शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है इससे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी आपकी क्वेश्चन हैं तो आप कॉमेंट्स में जरूर पूछना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।